जब से 5 राज्यों में बीजेपी को हार मिली है तब से पार्टी अपनों के निशाने पर आ गई है। कभी सहयोगी बीजेपी पर हमला बोलते हैं तो कभी पार्टी के ही नेता उसे आग दिखाते हैं। इसी कड़ी में अब पार्टी के वरिष्ठ नेता संघप्रिय गौतम का नाम भी शामिल हो गया है, जिन्होंने बीजेपी को सलाह दी है कि 2019 में सत्ता में वापस आना है तो उसे अपने कामकाज में परिवर्तन करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने कुछ ऐसा भी कहा है जिससे बीजेपी की परेशानी बढ़ना तय है। 2014 में जो मोदी लहर चली थी वो अब कहीं गुम हो गई है, ये कहना है वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे संघप्रिय गौतम का, जिन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह का जादू खत्म होने की बात करते हुए पार्टी आलाकमान को पत्र लिखकर आगाह किया है कि पार्टी जरूरी मुद्दों को भूलकर धार्मिक मुद्दों को भुनाने में लगी है, जिससे पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है। इसीलिए पार्टी को अपने कामकाज में बदलाव करना चाहिए। पत्र में लिखा है कि पार्टी की सत्ता में वापसी मुश्किल नजर आ रही है। विधानसभा चुनावों की हार के बाद अब अमित शाह और पीएम मोदी की जोड़ी का जादू चलता नहीं दिख रहा है। पार्टी को शिवराज चौहान को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को उप प्रधानमंत्री बनना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि राजनाथ सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर योगी आदित्यनाथ को धार्मिक कार्यों में लगा देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने योजना आयोग का नाम बदलने, सीबीआई और आरबीआई के कार्यों में सरकार के हस्तक्षेप करने के फैसलों पर भी बीजेपी की कड़ी निंदा की। साथ ही गोवा और मणिपुर में जोड़ तोड़ कर सरकार बनाने के फैसले को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार युवाओं, किसानों और देश की जनता से किए गए वादों को पूरा करने में विफल साबित हुई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पार्टी आगामी चुनाव में बेदखल हो जाएगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।